भी कुछ देर पहले मुख्यमंत्री आए थे, तो क्या लग रहा है सब ठीक हुआ है? ठीक है, जो जांच चलेगी अब मुख्यमंत्री जी क्या आदेश देते हैं पता चलेगा क्या होगा आगे। अभी तो कोई पता ही नहीं, उस बाबा का भी पता ही नहीं क्या है, उसके नाम FIR हुई है कि नहीं हुई है, क्या हुआ है। अभी 24 घंटे के अंदर अभी मुख्यमंत्री जी ने बोला रिपोर्ट देने के लिए, जब रिपोर्ट आएगी जब आगे कर क्या कार्रवाई होती है जब पता चलेगा सही हो रहा है या गलत हो रहा है। अभी तो कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते। देखिए इनको लगता है, लेकिन सबके मन में सवाल है, क्या कुछ है जानकारी क्या हुआ था? हादसा हुआ था ऐसा, हमने तो अपने जीवन में देखा और न सुना, दिल को बहुत बड़ा कष्ट हो गया। कहते जिस तरीके से लोगों को, बहुत सारे लोग ये भी बता रहे थे कि अस्पताल में व्यवस्था ही नहीं थी जब यहाँ पर लेकर आए। व्यवस्था ही नहीं है तो अब हर मरीज को रेफर किया जाता है, यहाँ कुछ रखा, यहाँ कुछ है ही नहीं, ना ऑक्सीजन है ना कुछ है ना कुछ है, यहाँ तो जो मरीज बैठा है उसको रेफर कर देते ये लोग। और रेफर क्यों करते हैं कि एम्बुलेंस वालों का बहुत बढ़िया धंधा हो जाता है, उन्हें 30-35% मिल जाता है प्राइवेट में, यह क्या मिलेगा? आज तो हम देख रहे हैं, अभी काफी देर से हम देख रहे हैं यहाँ पर एम्बुलेंस में एम्बुलेंस निकलते हुए दिख रही है, कल एम्बुलेंस नहीं मिल रही। हाँ कुछ कुछ एम्बुलेंस रही है, कुछ अपने ऐसे ही है, क्या किए मतलब यहाँ कुछ भी नहीं अस्पताल में, एक दर्जी हो रहा होगा ज्यादा जरूर होगा कैरियर ले यार। लगता है थोड़ा अस्पताल की हालत ठीक होती तो और लोगों की जान बच सकती थी। हाँ बच सकती थी, ऐसा है जब यहाँ कुछ है ही नहीं है तो ठीक किससे होगा? जब यहाँ से रेफर करोगे रास्ते में ये आदमी मर जाएगा, क्या करोगे? हाथरस के रहने वाले हैं ना, हाथरस के पास के ही हैं, लेकिन जब यहाँ कुछ है ही नहीं तो रेफर तो इनको करना पड़ेगा, और यहाँ से रेफर करेंगे रास्ते में आदमी मर गया फिर क्या करोगे? क्या लग रहा है जब वहां से फुलरई से लोग लेकर आए यहाँ पर तो क्या व्यवस्था नहीं थी, ये भी एक बड़ी दिक्कत? व्यवस्था तो है ही नहीं है। मैं यहाँ बुढ़ा हो गया, मेरी आज 70 साल की उम्र होने जा रही है, मेरी वाइफ 95 रही, मैं 97 रहे, कुछ भी नहीं है, कहते कहते परेशान हो गए, यहाँ कुछ नहीं है, थोड़ा ज्यादा मरीज चिल्लाए तो बोले यहाँ चले आ जाए रेफर कर। लेकिन इतना बड़ा हादसा हो गया वहाँ पर, इतने लोग जुटे, क्या कोई व्यवस्था नहीं थी? व्यवस्था बनाई जाती है, व्यवस्था बनाई जाती है, बाबा की अपनी टीम है, बाबा के अपने कमांडो, ये लोग राजस्थान से लोग काका से आते हैं फैल जाते, व्यवस्था होती है 50,000 की जा जाती है 1,00,000, ऐसे क्या कर सकता? प्रशासन की भी तो जिम्मेदारी होती है ना, प्रशासन को भी तो व्यवस्था बनानी चाहिए, भीड़ बढ़ रही तो प्रशासन को उस हिसाब से वहाँ पुलिस बढ़ानी चाहिए। नहीं बिल्कुल सही बात है, प्रशासन की भी जिम्मेवारी है। दूसरी बात यह है कि इस तरह के क्राउडिंग जो एरिया होता है उसमें परमिशन नहीं देनी चाहिए जल्दी से, मेरा ये मानना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलो। लोगों को इलाज मिल पा रहा है ठीक से, हो पा रहा है इलाज? देखिए इलाज जिस हिसाब से हादसा हुआ है ना उस हिसाब से यहाँ पे सुविधाएं नहीं है ना, वो डॉक्टर्स हैं, ओनली जस्ट डिस्पेंसरी नॉट अ हॉस्पिटल, मैं ये कहना चाहता हूँ। ये जिला है, इतना बड़ा जिला है, उस हिसाब से ये हॉस्पिटल उस लायक है नहीं मेरे। ये भी एक बड़ी वजह है जो इतनी ज्यादा। हाँ बिल्कुल है, यहाँ डॉक्टर एक सर्जन है केवल, और जबकि सर्जन जो जिला है जिला के हिसाब से कितने सर्जन होने चाहिए इसमें, एक सर्जन है। इतना बड़ा हादसा हो गया, जिम्मेदार किसको माने, कि बाबा को माने, प्रशासन को माने, किसको माने? अभी इतने लोग, 121 लोग बहुत होते हैं। अब ये तो भाई जो इन्होंने दी है परमिशन, परमिशन के ऊपर जाता है ना, परमिशन 80,000 आदमियों की 5,00,000 की भीड़ जाएगी तो क्या होगा? ऐसा हादसा तो होना ही होना था, 80,000 की परमिशन दिए, 5,00,000 लोग पहुंच रहे वहां पे, परमिशन देना भी तो देखना चाहिए कि कितना आदमी है, प्रशासन को ये भी देखना चाहिए, हमने 80,000 की परमिशन दी है या 5,00,000 आदमी है तो उसके कुछ करना चाहिए ना। ये बड़ा सवाल है कि 80,000 की परमिशन थी, 5,00,000 लोग है वहां पर, कुछ होना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।